गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्लांट इट। आई एम हिमांग एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू मेक अ फ्रेम इन योर गार्डन फॉर अ ट्रेलिस और अ शेड नेट इफ़ यू वांट। फ्रेम बनाने के लिए ये होगा कि जो ये मैं पोल या फिर आप जो भी एक इंच का डेढ़ इंच का जो भी पोल लो आप उसे ऐसे रखो एंड देन व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको इस जगह को मार्क कर दूंगा जहाँ पे मेरे को एक पोल बनाना है। सो वंस एक अप्रॉक्सीमेट आपने मार्क कर दिया है इस जगह को, अब व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक ड्रिल की मदद से आपको इसमें एक होल बनाना है एंड आप चाहो तो ये एक हैमर और एक चिजल जिसको हम हिंदी में छेनी बोलते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। A few moments later. Two hours later. Two thousand years later. So guys, आप देख सकते हो कि मैंने ये जो होल है इसको मैं अराउंड 4 to 5 inches डीप मैंने इसको बना दिया। नाउ व्हाट आई डू इज मैं ट्राई करूँगा कि ये पूरा घुस जाए, मैं चेक करूँगा इधर ये पूरा घुस जाए कि नहीं एंड एक बार मैं देखता हूँ कि ये घुस जा रहा है। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल मेक अ सीमेंट मिक्सचर जिसमें मैं थोड़ी सी रेत और थोड़ा पानी मिलाऊंगा एंड आई विल मेक दैट मिक्सचर एंड आई विल पुट इट इन दिस होल अलोंग विद दिस आयरन रॉड। सो गाइस आप देख सकते हो कि इधर मैंने अराउंड एक मुट्ठी सीमेंट इधर इस बोल में डाला है एंड इसके साथ मैं जो रेशियो इसमें यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ लाइक 1:4। तो सीमेंट इज़ 1 part एंड मैं 4 part सैंड डालने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली इधर कल रात को बारिश आई थी एंड मेरा जो ये सैंड है वो गीला हो गया बट आई विल ट्राई एंड डू इट विद दिस ओनली क्योंकि मेरे पास अभी सैंड बचा नहीं है। So once I've added the sand, what I'll do is I'll just mix both of them. एक बार इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आपको पानी मिलाना पड़ेगा सो दैट थोड़ा ये और लिक्विडी कंपाउंड बने। अगर आप एमेच्योर हो या फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाओ ताकि आप गलत ना पड़ जाओ। सो आपको ये देखना ध्यान रखना पड़ेगा एंड यू नीड टू बैलेंस द मिक्सचर सो दैट आपको ऐसी एक कंसिस्टेंसी मिले।
So now what I'll do is I'll now add this, put this mixture into the hole and also add the iron rod. So guys, what I'm doing here is just adding the mixture, putting some mixture. मैं थोड़ा mixture जो है थोड़ा पहले डाल दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगा. And then I'll just push the rod inside. And एक बार मैं ये जो rod है जो मैंने place कर दिया, now what I'll do is I'll just fill the gap which is left. मैंने इधर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया ताकि मैं सीमेंट को अंदर फेंक सकूं एंड आई मेक श्योर कि कोई गैप ना बचे. So that's it guys, this is done. Now what I'll have to do is I'll just keep it for a day or two and main isko sookhne rakh dunga and beech beech mein main thoda pani dete rahunga ye jo jagah hai is jagah mein taki ye cement jo naya naya bana ye fat na jaye. So that's it guys, now we move to the next step. सो गाइस, आप देख सकते हो कि जो मैं सीमेंट किया था इट इज़ फॉर्म नाउ एंड द होल विच आई हैव एडेड इज़ लाइक परमानेंटली फिक्स्ड. सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज लाइक बिल्डिंग द फ्रेम आउट हियर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज I'm going to attach this T-shape, whatever you call it, a picture or something like that. And मैं जो ये existing जो pole है इसको मैं बीच से काटने वाला हूँ, so that कि ये जो T picture है इसमें इधर से ये वाला pole और ये इधर से ये वाला pole को मैं attach कर पाऊँ. So for that I'm just marking this place. I'm taking an approximate size and इस जगह को मैं एक आरी से काटने वाला हूँ. So guys, what I'm going to do here is I'm just cutting the rod, the PVC pipe. That's it guys, this was so easy. You can just see I just did it in like 30 seconds. तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये जो पाइप है उसको मैं जो मेरा फिक्स्चर है उसमें अटैच करूँगा.
So that's it guys, this is how easy it can get. I have finished making the framework over here, and aap is framework mein aap ek shade net bhi laga sakte ho, aap ek trellis bhi laga sakte ho jo main banane wala hu. So that's it guys, I hope you like this video and this video was helpful for you. Please like my video, share it and subscribe to my channel Let's Plant It.